हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सेक्शन सी के अंदर के कुछ सम देखे थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। आज उसके आगे की जो सम है उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने जा रहा हूं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट आपको नंबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, इस तरह से नंबर दिए हुए हैं। इसको हमें अरेंज करना है जिसके अंदर ऑड नंबर है ना ऑड प्लेस पे आने चाहिए और इवन नंबर कहाँ पे आने चाहिए इवन प्लेसेस पे। तो बहुत ही इजी है। ऑड नंबर देखिए 1, 3, 3, 1, देखिए ऑड प्लेस पे आना ना 1, 1 पे आ रहा है, ये 3 पे आ रहा है, ये 5 पे आ रहा है, ये 7 पे आ रहा है। तो इनको मैंने क्या करा हुआ है, ऑड नंबर कितने हो रहे हैं 4 हो रहे हैं और इनकी दो पैर बन रही है 1 और 2, यानी मैंने पैर बनाई तो 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल। इसी तरह इवन नंबर कितने हैं 1, 2, 3 है तो 3 का फैक्टोरियल और इनकी कितनी पैर बन रही है, ये दोनों की 1 और इसकी 1 सिंगल, यानी 2 और 1 कितना 1 का फैक्टोरियल। सो 3 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 6 और 2 का फैक्टोरियल 2, वहीं पे 4 का फैक्टोरियल 24 और 2 और 2 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 2 2 4 कर दिया मैंने। सो आफ्टर दैट कट मैंने कितना आ गया आंसर मेरा फाइनली 18 आ गया है। ओके चलिए देख लेते हैं उस तरह से क्वेश्चन नंबर 9। रोल एंड डॉल आपको दो वर्ड दिए हैं और उन दोनों का हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो आपको मैंने कभी भी बोला है कि कभी भी इस तरह के नंबर अगर रिपीटिंग आ रहे हैं तो कौन सा वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाय पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल। एन में रोल में कितने वर्ड आ रहे हैं 5 आ रहे हैं तो 5 का फैक्टोरियल। पी में मैंने क्या ले लिया एल, एल कितनी बार आ रहा है 2 का फैक्टोरियल। आर ओ एस एक एक बार यानी 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इस तरह से कर सकता हूँ। तो 5 का फैक्टोरियल कितना आ गया 120 और 2 का फैक्टोरियल 2। सो रोल का आंसर मिला 60। इसी तरह मैं डॉल के लिए भी क्या करूँगा, फॉर्मूला रखा हुआ मैंने, सो उसमें भी क्या आ रहा है 5 फैक्टोरियल क्योंकि उसमें भी 5 वर्ड आ रहे हैं और एल 2 बार रिपीट हो रहा है। सो 2 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल उसका भी आंसर आ गया 60। तो दोनों का रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे 60:60, यानी कितना आ जाएगा मेरा फाइनली आंसर 1:1 मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है अभी? चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 में। हमें दिया हुआ टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज 6 हैं, उसमें 2 डिफेक्टिव हैं तो बाकी के 4 क्या होंगे नॉन डिफेक्टिव होंगे। अब मुझे क्या करना है, 2 स्क्रू सिलेक्ट करने पर दोनों के दोनों स्क्रू कैसे होने चाहिए नॉन डिफेक्टिव होने चाहिए। तो बहुत ही सिंपल वन है, तो 4 स्क्रू है ना तो 4 में से मैं 2 ले लूँगा ना, सो 4c2 यानी 4 × 3 डिवाइड बाई 2 × 1, सो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये भी चलते फिर आगे क्वेश्चन नंबर 11। 52 कार्ड में से हमको 2 कार्ड लेने हैं और दोनों कार्ड में से ऐसे के दोनों के दोनों कार्ड या तो किंग के हों या तो क्वीन के हों। तो 4 एक्चुअली पता ही आपको कि किंग के कितने होते हैं 4 होते हैं और क्वीन के भी 4 होते हैं। सो 4c2 + 4c2, क्यों बीच में मैंने प्लस यूज़ करा हुआ है, या तो क्वीन हो या तो किंग हो, यानी या वर्ड आ रहा है इन द सेंस प्लस आएगा। सो 4c2 यानी 4 × 3 डिवाइड बाई 2 × 1, अगेन 4c2 यानी 4 को 2 बार भी चले जाऊंगा 4 × 3 डिवाइड बाई 2 × 1, यू जस्ट मेक एडिशन 6 + 6 योर आंसर विल बी 12। क्लियर हो गया? अभी चलते हैं उसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है आपको टोटल 52 कार्ड है, उसमें से आपको 3 कार्ड सिलेक्ट करने हैं पर दोनों किस तरह बोला हुआ है कि 3 कार्ड या तो क्या हों रेड कलर के हों या तो क्या होने चाहिए ब्लैक कलर के। ओके क्योंकि 2 ही कलर होते हैं ना, और टोटल कितना 26 रेड होंगे और 26 ब्लैक कलर के होंगे। सो 26C3 + 26C3 कर दिया आपने कट करने पे, तो 26C3 का आंसर आ रहा है 2600 और दूसरे का भी आंसर आएगा 2600, जस्ट मेक एडिशन सो योर फाइनल आंसर विल बी 5200। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये भी चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी का था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको 5 नंबर दिए हुए बेटा, 5 नेचुरल नंबर लेने 1, 2, 3, 4, 5। उसमें हमको 3 अलग अलग क्वेश्चन पूछे हुए। पहला क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ कि टोटल कितने नंबर बना पाएंगे हम लोग, तो 5 का फैक्टोरियल यानी 120 नंबर बनेंगे। दूसरा क्या बोला, जो भी नंबर बने वो ग्रेटर देन 30,000 होना चाहिए। तो इसके अंदर भी मैंने आपको बोला हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, उसमें अगर मैं नंबर 3 से स्टार्ट करूँगा तभी वो 30,000 से बड़ा बनेगा ना, तो 3 में से कोई भी एक आएंगे क्योंकि 3, 4, 5 ये 3 में से कोई भी एक नंबर आएगा, तो बाकी का जो नंबर बचेंगे वो कितने बचेंगे 5 में से एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा, तो कितने बचेंगे बाकी के 4p4। सो 3p13 और 4p4 यानी 4 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 24। सो 3 × 24 आई गॉट माई आंसर विल बी 72। क्लियर है? एंड द लास्ट वन इज जो भी नंबर है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 से डिविजिबल कब होगा कि जिस नंबर के अंदर पीछे क्या आ रहा होगा 5 आ रहा होगा तभी वो 5 से डिविजिबल होगा ना। तो 5 के लिए तो देखिए मैंने 1p1 ले लिया, तो 5 में से एक नंबर चला गया तो बाकी कितने होंगे 4p4। सो 4 का फैक्टोरियल, सो 1 × 4 का फैक्टोरियल यानी 24 ही आंसर हमारा आ जाएगा। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमको बोला हुआ है 4 बॉय और 4 गर्ल हैं, उनको अरेंज करना है।
और किस तरह अरेंज करना है कि जो दोनों बॉय हैं और दोनों गर्ल वो साथ में नहीं आने चाहिए। तो सिंपल है ना, देखिए मैंने यहाँ पे अरेंज करा हुआ है बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल। तो उसके लिए मैंने क्या करा, फोर बॉयज़ यानी फोर पी फोर, फोर गर्ल्स फोर पी फोर, मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 576। पर इस समय के अंदर बच्चे गलती यही करते हैं, इसमें 576 अगर आप आंसर रख के आ जा रहे हो पर आपको इसमें दो चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। क्यों, यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम बॉय बिठाया तो ऐसा आपको क्या बोला हुआ है कि फर्स्ट टाइम आपको बॉय बिठाना है। ऐसा भी केस हो सकता है पहले मैं गर्ल को बिठाऊं, यानी पहले बॉय को बिठा के मैंने देखा तो उसका आंसर कितना आ रहा है 576। सेकंड ट्रायल में मैंने क्या करा, पहले गर्ल गर्ल बॉय इस तरह मैंने अरेंज करा है तो उसका भी कितना आ गया 576। सो 576 576, आई गॉट माई फाइनल आंसर विल बी 1152। क्लियर हो गया स्टूडेंट ये भी, ओके चलते हैं देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर आपको दिया हुआ है थ्री बॉयज एंड टू गर्ल्स दिए हुए हैं तो टोटल पांच जने हो गए। उसमें हमको फर्स्ट में क्या बोला हुआ है, प्रायोरिटी दोनों के दोनों गर्ल्स साथ में आने चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही सिखाया हुआ था कि कभी भी ऐसा है तो बॉयज का गर्ल्स का जो ग्रुप है वो किस में ऐड हो जाएगा, बॉय में हो जाएगा। तो गर्ल तो दो की दो एज इट इज रहेगी 2p2, पर बॉयज थ्री के जगह क्या हो जाएंगे 4p4, यानी 2p2 यानी 2 का फैक्टोरियल एंड 4p4 यानी 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 और 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा 24। जस्ट मेक अ मल्टीप्लाई यू गॉट योर आंसर विल बी 48। इसी तरह सेकंड में क्या बोला हुआ है, दोनों को अल्टरनेट बिठाना है तो अल्टरनेट बिठा दिया मैंने, एक बॉय एक गर्ल एक बॉय एक गर्ल एक बॉय। सो ये तो सिंपल ही है 2p2 into 3p3, उसका भी मैंने आंसर निकाला हुआ 2 into 6, आई गॉट फाइनल आंसर विल बी 12। और थर्ड में क्या बोला हुआ है, सबके सब बॉय साथ में बैठने चाहिए तो इनका जो ग्रुप है वो किस में ऐड हो जाएगा, गर्ल्स में, गर्ल्स दो थी उसकी जगह क्या हो जाएगी 3 हो जाएंगी और बॉयज़ तो 3 का फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा। सो 6 into 6, आई गॉट माई फाइनल आंसर विल बी 36। क्लियर हो गया स्टूडेंट पक्का। तो आई होप दैट आपको सेक्शन सी और सेक्शन डी के यहाँ तक के सभी सम में बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा। अभी भी कुछ सम इसके रिमेनिंग है जिसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देने वाला हूँ। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।